किसी भी इंसान को ऑनलाइन ऑफलाइन चेक करना उसके पीछे पड़ गया है कि ये कब ऑनलाइन आ रही है, कब ऑफलाइन जा रही है, इसका लास्ट सिम क्या है, इसका स्टेटस क्या है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है, आपको गुस्सा आने लग रहा है। अगर वो इंसान बहुत देर तक ऑनलाइन है तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, अरे यार ये किससे बात कर रही होगी, किसी से चैट कर रही है, किसी को कॉल कर रही है, किसी को वीडियो कॉल कर रही है। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किसी भी इंसान को ऑनलाइन ऑफलाइन चेक करना, उसका स्टेटस चेक करना, उसका लास्ट सिम चेक करना, उसका ऑनलाइन चेक करना कि वो कब ऑनलाइन रह रहा है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि किसी भी इंसान को ना वो स्टॉक करते रहते हैं, उसके पीछे पड़ गए हैं कि ये कब ऑनलाइन आ रही है, कब ऑफलाइन जा रही है, इसका लास्ट सिम क्या है, इसका स्टेटस क्या है। बात समझ में आया? हमेशा उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसके पीछे दुम हिलाते चल रहे हैं। कड़वा है लेकिन सच है। ऐसा करके आपको मिलता क्या है यार? आपको मेंटली परेशानी के सिवा और क्या मिल रहा है? और कुछ नहीं मिल रहा है। आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है, आपको गुस्सा आने लग रहा है। अगर वो इंसान बहुत देर तक ऑनलाइन है तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, अरे यार ये किससे बात कर रही होगी, किसी से चैट कर रही है, किसी को कॉल कर रही है, किसी को वीडियो कॉल कर रही है। ये करके क्या कर रहे हो आप? सामने वाला इंसान के चक्कर में अपना सब कुछ वेस्ट किए जा रहे हो, अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना सब कुछ वेस्ट कर रहे हो तुम, और सामने वाला इंसान आपको भाव तक नहीं दे रहा है। आपको सामने वाला इंसान है ना एक पैसा का इंसान नहीं समझ रहा है, आपको जानवर से भी बदतर ट्रीट कर रहा है और आप करवा रहे हो। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो किसी न किसी को ऑनलाइन ऑफलाइन चेक कर रहे हैं रात रात भर, दिन दिन भर। वो हमेशा यही काम करने में बिजी हैं, उनके पास और कोई काम नहीं बचा हुआ है, वो बस दिन रात यही चेक कर रहे हैं कि वो कब ऑनलाइन आ रही है, उसका स्टेटस क्या है, उसका लास्ट सिम क्या है। अब वो ना ये सब चीज़ देख के ना अपना दिमाग को, अपना ब्रेन को ख़राब कर रहे हैं। ऐसा ही होता है, आप जब किसी भी पर्सन को दिन रात यही सब चीज़ कर रहे हो, उसको देख रहे हो, उसको नोटिस कर रहे हो, तो आपका दिमाग ना गुस्सा होगा, आप ना मेंटली डिस्टर्ब होगा, आप परेशान होगे, आपका जो कुछ भी काम है वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ खत्म, आपका जो कोई भी काम धंधा है उसमें मन नहीं लगेगा। आप दिन रात करके ये टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हो। और ऐसा करके ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि सामने वाला इंसान आएगा मेरे पास, अरे यार तुम इतने महान थे, तुम मेरे पीछे इतना टाइम को वेस्ट किए अपना ना, कितने दिन कितने महीनों तुम मेरे पीछे लगे रहे, मेरा लास्ट दिन देखते थे, हम कब ऑनलाइन हुए कब ऑफलाइन हुए, तुम सब बायोडाटा रखते थे, तुम मेरा स्टेटस चेक करते थे, आओ अब हम तुमसे बात करेंगे, तुमसे रिलेशनशिप में जाएंगे, तुमसे प्यार करेंगे, घंटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब ड्रामा है। और ये ड्रामा ना आप जानबूझ के कर रहे हो, इसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं है। सामने वाला इंसान तो आपको नहीं बोला ना कि तू मेरा ऑनलाइन चेक कर, ऑफलाइन चेक कर, लास्ट सिम चेक कर, हमको अब क्या कर रहे हैं सब तू नजर रख। नहीं यार, आपकी ये गलती है, आपकी ये वीकनेस है, आपकी ये कमजोरी है, और इस कमजोरी की वजह से ना आपका बहुत लॉस हो रहा है। आज आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि आपको कितना लॉस हो रहा है। आप चाह के भी कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, स्टडी नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हो, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, जिंदगी में कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हो, आपका दिमाग एकदम घटिया हो गया है, और आप दिन रात उसी पर्सन के चक्कर में बर्बाद हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो और बर्बाद हो रहे हो। याद रखना इस बात को, इसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है। देखो यार, जो इंसान तुमसे प्यार करेगा, जिसको तुम्हारी फिक्र होगी, परवाह होगी ना, वो इंसान कभी ऐसा नौबत नहीं आने देगा ना कि आपको उसको ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा, ऑफलाइन चेक करना पड़ेगा, उसका लास्ट दिन देखना पड़ेगा, उसका स्टेटस चेक करना पड़ेगा। नहीं भाई, वो इंसान आपको जलाएगा नहीं, वो यार सीधा तुमको कॉल करेगा और तुमसे कॉल पर बात करेगा और तुमको बोलेगा कि यार बोलो तुमको क्या चाहिए, बोलो यार तुम क्या चाहते हो, कैसे हो तुम, तुम्हारा क्या हालचाल है। वो इंसान तुमको पॉजिटिव बात बोलेगा। कि कोई इंसान ये करेगा कि तुम अपना दिमाग, अपना ब्रेन को खराब करते रहो, अपना समय को वेस्ट करते रहो, मेरे पीछे ऑनलाइन ऑफलाइन लास्ट सीन यही सब ड्रामा करते रहो और तुम अपना लाइफ को बर्बाद कर लो? अगर कोई ऐसा इंसान है, चाहे कोई लड़का, चाहे कोई लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी पर्सन, एक्स आपकी या आपका, समझ लो कि वो आपके लिए पॉइजन से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए आज से ही आप किसी भी इंसान को चेक करना ऑनलाइन ऑफलाइन सब बंद करो। आप अपने आप से एक बात बोलो कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कोई दिन भर ऑनलाइन रह रहा है, कि कोई रात भर रह रहा है, कोई 2 बजे तक रह रहा है, कोई 4 बजे तक रह रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अपना DP क्या लगा रहा है, कोई स्टेटस क्या लगा रहा है, कोई किसको दिखा रहा है, कोई अपना अबाउट क्या चेंज कर रहा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने लाइफ से मतलब है, हमें अपने ज़िंदगी से मतलब है, दैट्स इट। दुनिया में जिसको जो करना है करते रहे, ये एटीट्यूड आपके अंदर आ गया ना, समझ लो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आज से ही किसी को भी स्टॉक करना, किसी के पीछे पड़ना, किसी का ऑनलाइन ऑफलाइन लास्ट सिम चेक करना एकदम बंद करो, और अपना दिमाग को ख़राब करना, उसके वजह से परेशान होना सब बंद करो, क्योंकि ये सब चीज़ आप कर रहे हो उसको शायद पता भी नहीं होगा। याद रखना इस बात को। तो फिर उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो लोग ऐसा करते हैं ना उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए। तो फिर आज इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर।